हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बीज। फ्रेंड माय नेम इज कैलाश तिवारी। शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की इस थॉट के साथ, वेकअप एवरी मॉर्निंग। और इसमें जोड़ भी दीजिए कि जब आप सोएंगे तब भी आप अपने आप को ये बताएंगे कि आई कैन डू दिस, आई कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो दोस्तों, एग्जाम अपने आप में ही एक मोटिवेशन है। क्या बहुत मोटिवेशन खोजना, बस एक एग्जाम है उसे क्रैक करना है, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। डेफिनेटली उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, और हमेशा की तरह हम क्विकली डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे लगाएं और 5 क्वेश्चन ही डिस्कस करें। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, डैश इज द सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन। पहले ही बता दिया है कि सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन है दैट ब्रेक्स डाउन लार्ज सॉइल क्लॉट्स, लेवल द सॉइल सरफेस एंड प्रिपेयर अ फाइन यूनिफॉर्म सीड बेड फॉर प्लांटिंग। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन आपको है ये बताना है। सो स्टार्टिंग कहाँ से की है, ब्रेकिंग द लार्ज सॉइल क्लॉट्स, और फिर उसके साथ साथ लेवलिंग ऑफ सॉइल सरफेस भी, प्रिपरेशन ऑफ फाइन यूनिफॉर्म सीड बेड। तो ये कौन करता है, कल्टीवेशन तो कुछ भी नहीं हुआ, चिसलिंग, हैरोइंग, रिपिंग और लेवलिंग। सो आप देखेंगे लेवलिंग एक ऑप्शन हो सकता है, बट ये सिर्फ लेवल करेगा, बाकी चीज नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हैरोइंग। और ये क्या है हमारे पास, हमको क्या दिख रहा है, हैरो। और ये किस टाइप का हैरो है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये किस टाइप का हैरो है। ओके, ये यहाँ पे जो डिस्क लगी है इसमें ऐसे कट बने हुए हैं, तो इसको हम कौन से टाइप का हैरो बोलते हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज आर नॉट अ प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरी है कि प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज होता क्या है। ओके, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, आप उनको रट्टा भी लगाते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। दो चीज हमेशा याद रखिए ताकि जीवन में कभी भी 60 साल में भी आपसे कोई पूछे ना तो भी आप उसको ना भूले। प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज में क्या डिफरेंस है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ। एक तो सबसे पहले डेप्थ के बेसिस पे, दूसरा पर्पस के बेसिस पे, बस। उसके अलावा तो बहुत सारी राम कहानी हो सकती है, वो आप पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। डेप्थ, प्राइमरी टिलेज कौन सा होगा, जिसकी डेप्थ 15 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, जिसमें डेप्थ 15 सेंटीमीटर से कम होगी वो सेकेंडरी टिलेज। मतलब जो हम बहुत डीप कर रहे हैं वो प्राइमरी, जो हम सर्फेस लेवल पे कर रहे हैं वो सेकेंडरी। पर्पस क्या है, टर्न द सॉइल, सॉइल को पलट देना। यहाँ पे क्या है, चर्न द सॉइल, सॉइल को चर्न करना, ये बेसिकली पर्पस है। अब जो भी आपकी इस डेफिनेशन में बैठेंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्लासिफाई करते जाइएगा। अब यहाँ से पूछा है कि भैया कौन सा ऐसा है जो प्राइमरी टिलेज का इम्प्लीमेंट नहीं है। ओके पहला ऑप्शन देखिए, स्पाइक टूथ हैरो। तो हैरो क्या है, ये सेकेंडरी टिलेज का इम्प्लीमेंट है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या करता है, ऊपर की जो सॉइल चर्निंग का काम करता है, तो ये सॉइल 15 सेंटीमीटर में ही काम करता है। सिमिलरली कल्टीवेटर, ये भी सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन का काम है, इसका काम क्या है, चर्न करना। रोलर क्या है, तो रोल करना है, तो हार्वेस्टिंग के बाद की चीजें हैं, तो इसमें सारे ही कैसे हैं, कोई भी इसमें प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स। ओके, सो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट। तो अभी जस्ट हमने देखा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया है, देखिए स्पाइक टूथ हैरो, तो अगर हैरो है वो स्पाइक टूथ है, और दूसरा ऑप्शन दिया हमें सबसॉइलर, तीसरा ऑप्शन दिया प्लैंक। प्लैंक किसके लिए यूज किया जाता है, लेवलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन क्या है, सेकेंडरी टिलेज, क्योंकि ये क्या कर रहा है, चर्न कर रहा है सॉइल को। प्लैंक क्या कर रहा है, लेवलिंग कर रहा है। सब सॉइलर एक ऐसा है जो कि सॉइल को टर्न कर रहा है, या फिर हम टर्न नहीं भी करता है, मैक्सिमम टाइम सॉइल सब सॉइलर टर्न नहीं करता है, बट वो क्या करता है, बहुत डीप, मतलब 30 सेंटीमीटर से भी ऊपर, 45 सेंटीमीटर तक प्लॉइंग करने में हेल्प करता है। और इसका बेसिक फायदा हमें क्या होता है, ब्रेक द हार्ड पेन। आप देखेंगे ना, नॉर्मली हम 15 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर पे बार बार टिलेज कर रहे हैं, तो उसके नीचे एक हार्ड पेन बन जाती है, तो उसको ब्रेक करने का काम कौन करता है, उसका ब्रेक काम करने का काम करता है सब सॉइलर। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये कैसा है, प्राइमरी इम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, सेकेंडरी टिलेज कौन सा, तो ए एंड सी, ए एंड सी आर द सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट। तो ये हमारा ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टिलेज ऑपरेशन इन्वॉल्व लाइटर एंड फाइनर सॉइल मैनिपुलेशन आफ्टर द प्राइमरी टिलेज टू क्रिएट अ प्रॉपर सॉइल टिल्थ एंड यूनिफॉर्म सॉइल सरफेस। अभी ये डेफिनेशन दी गई है किसकी, जो अभी हमने पढ़ा, किसकी बात की गई है, सेकेंडरी टिलेज की। बाकी ऑप्शन आप एक बार देखिए कि क्या क्या टिलेज होते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट्स देख लीजिए, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप देख के यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्लाव है, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा प्लाव है, कौन सा हैरो है। तो यहाँ पे अगर इसको आप ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो ये प्राइमरी टिलेज के इम्प्लीमेंट है और ये सेकेंडरी टिलेज के इम्प्लीमेंट है। अब आप कहेंगे सर देखने में तो काफी सिमिलर लग रहे हैं ना, ये भी काफी सिमिलर लग रहे हैं, बट ये तो प्लाव है, ये क्या है, कल्टीवेटर है। अब देखेंगे इसको बनाया है इस टाइप से है कि ये सॉइल को टर्न करेगा, जबकि ये क्या करेगा, जो टर्न सॉइल है उसको क्लॉट्स को ब्रेक करके चर्न करेगा। ओके, ये है हमारा ऑफसेट, सॉरी ये है हमारा ऑफसेट हैरो, और ये है स्पाइक टूथ हैरो। ओके, और ये है डिस्क हैरो।
और ये तो बाकी ये मोल्ड प्लाव है, इसको कौन सा प्लाव बोलते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो ये बेसिक फर्क होता है, ये जो प्लाव है ये दोनों ही प्लाव है, प्लाउ वर्ड जहाँ पे भी लग गया तो प्राइमरी टिलेज है, जहाँ पे भी हैरो लग गया चाहे डिस्क हैरो कल्टीवेटर है, ऑफसेट है या फिर स्पाइक टूथ हैरो, कैसा भी हैरोइंग है तो वो सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन है। ये चीज याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके भी याद रख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि ये क्या है, सिंपल सी चीज। अभी क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। विच टूल इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर डिगिंग होल्स फॉर द प्लांटिंग ट्री सैपलिंग्स। ये ट्री सैपलिंग है, या फिर कई बार क्या होता है फेंसिंग करने के लिए भी हमें होल्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सी मेथड यूज करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑगर, है ना। ये तो ऑगर है, कैसा है, स्क्रू शेप ऑगर। अब यहाँ पे कौन सा हम इंप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, पावर टिलर ऑपरेटेड ऑगर डिगर, ग्रास शियर, पोस्ट होल डिगर, हैंडल शोवर या फिर हैंड ट्रिमर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट होल डिगर, ये पावर टिलर ऑपरेटेड नहीं है, ये क्या है, पोस्ट होल डिगर। ओके, और ये कौन सा सिस्टम होता है ये मुझे आप बताइएगा, इसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को इसका नेम पता है। ओके, What type of tillage involves breaking the hard pan without soil inversion with the less disturbances of the top soil? तो अभी हमने डिस्कस किया था, डीप टिलेज में तो टिलेज है, मतलब हम टर्न तो कर ही रहे हैं सॉइल को, बट सब सॉइलिंग एक ऐसा फेनोमेना है जहां पे हम विदाउट द इन्वर्जन हार्ड पैन को ब्रेक कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है, बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़िए। फार्म मैकेनाइजेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ यूज ऑफ इक्विपमेंट एंड मे सब्स्टिट्यूट द प्लेस ऑफ लेबर इंटेंसिव मैनुअल लेबर एंड एनिमल पावर। मोस्ट ऑफ द मैकेनाइज्ड क्रॉप इन इंडिया एट प्रेजेंट इज, जिसमें सबसे ज्यादा मैकेनाइजेशन है वो कौन सी क्रॉप है, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा मैकेनाइज हमारी वीट क्रॉप है। पैडी में तो मैनुअल वर्क ही बहुत ज्यादा होता है, बाकी सब में मैनुअल वर्क होता है, वीट ही में ही आप देखेंगे मैकेनाइजेशन सबसे ज्यादा है। बाकी यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि किस क्रॉप में कितना है, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशन, किसको हम इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो प्लाव, प्लाव की जहां पे बात कर दी नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन करता है और ये सॉइल को टर्न करता है। बर्न फॉर्म है तो बर्न्स बनाने के लिए है। रोटरी वीडर एंड अ स्मॉल ब्लेड हैरो, तो इसको हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशन के लिए। तो यहां पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टिलेज सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्लॉइंग द फील्ड विद फ्यूअर पासेस ओवर द एंटायर लैंड और प्लॉइंग ओनली इन अ स्पेसिफिक एरिया बिफोर सोइंग। हम बिल्कुल कहीं से किसी एरिया पे हम उसको प्लाउ कर रहे हैं और बिफोर सोइंग, है ना। तो इसमें क्या आंसर होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसमें हम कई बार कंफ्यूज करते हैं। ओके, अभी कमेंट आप आंसर तो आपने देख ही लिया, अब मुझे ये बताइएगा कि इसमें नो टिल क्यों नहीं हो सकता और नो टिल मिनिमम टिलेज से कैसे डिफरेंट है। ओके, तो ये मिनिमम टिलेज क्या है, बेसिकली हम उतना ही काम करते हैं जितने की हमें रिक्वायरमेंट है, वो तो आप देख के समझ ही होंगे, बट मुझे नो टिल का मीनिंग बताइएगा कि नो टिल कैसे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कौन सा कंपोनेंट है पावर टिलर का, फॉर जो ट्रांसमिट करता है पावर फ्रॉम इंजन टू मेन क्लच, इंजन से क्लच में जो पावर ट्रांसफर करता है वो क्या होता है। ये इंजन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लच होगा, इसमें कौन सा ट्रांसफर करता है ये पूछा है। ऑप्शन है ट्रांसमिशन गियर, रोटरी यूनिट, वी बेल्ट पुली, स्टीयरिंग क्लच, ड्राइव शाफ्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वी बेल्ट पुली। तो वी बेल्ट पुली है जो कि क्या करती है, पावर ट्रांसफर करती है इंजन से मेन क्लच की, किसी भी पावर टिलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस प्लांट से रिलेटेड है, कौन है ऐसा सिस्टम है जो कंटिन्यूस गैस प्रोडक्शन करता है, साइमल्टेनियस फीड मटेरियल चार्जिंग भी होता है और इफ्लुएंट डिस्चार्ज भी होता है। आपको पता ही है, यहाँ से हम इनपुट देते हैं, ये पूरा पेट हो गया और यहाँ से इफ्लुएंट निकलता है। ओके, सो ये बायोगैस प्लांट है, यहाँ से आप यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो बायोगैस के लिए आप डालेंगे और यहाँ से इफ्लुएंट बाहर आएगा। ओके, और यहाँ से गैस बाहर आती है। तो ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है, कंटिन्यूअस सिस्टम है, क्योंकि सारी चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। तो कंटिन्यूअस है, बहुत मेरे को लगता है क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड विच इज स्पेसिफिकली रिकमेंडेड फॉर कंट्रोलिंग द सॉइल इरोजन इन अ एरिया विद अ हैवी सॉइल एंड स्लोप्स दैट फॉल विद इन द रेंज ऑफ 11 से 15। ये बहुत हैवी स्लोप होता है, मतलब ये तो कुछ इस टाइप का स्लोप हो गया, यहाँ जहाँ पे 11 से 15% का स्लोप है, तो वहां पे हम क्या करेंगे। सो इम्प्लीमेंटिंग ग्रेडेड बंड्स, ग्रेडेड बंड्स में क्या होता है ना, ग्रेडेड बंड और कंटूर बंड्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, आप देखेंगे दोनों मोर और लेस सेम भी दिखते हैं, बट ग्रेडेड बंड में विद इन अ जो हम फील्ड बनाते हैं उसमें भी स्लोप होता है, बट कंटूर बंड्स में क्या होता है, हम पर्टिकुलर लेवल पे ही बर्न्स बनाते हैं, तो इसमें मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन होता है, बट जबकि इसमें फ्लो बनेगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्टिंग फॉर द कंटूर बेंडिंग। तो कंटूर बेंडिंग दिया तो हम पहले कंटूर बेंडिंग की तरफ जाएंगे, उसके बाद देखेंगे ग्रेडेड बर्न्स करना है कि नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कंपोनेंट है डिस्क हैरो का जो प्रिवेंट करता है क्लॉग
क्लॉगिंग एंड रिमूव करता है सॉइल को फ्रॉम द कंकेव साइड ऑफ द डिस्क। कंकेव साइड जो है उस डिस्क में मिट्टी बार बार लग जा रही है, तो उसको कौन हटाएगा? तो ये इम्प्लीमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ना, ये लगा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रैपर। ये स्क्रैपर है जो कि यहाँ से ना जो क्लॉग है बीच में उसको रिमूव कर देता है, तो इसको हम स्क्रैपर बोलते हैं। डिस्क एंगल इन अ डिस्क प्लॉग इज सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ये सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। एक डिस्क एंगल, एक दूसरा होता है टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल एंड डिस्क एंगल, ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ हीट इंजन इज अ कंबशन ऑफ फ्यूल कैरिड आउट विद इन द सिलेंडर इटसेल्फ। सिंपल क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल वो पूछा जा रहा है कि कंबशन फ्यूल का इंटरनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं, और जिसमें बाहर होता है उसको एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं, जो स्टीम इंजन हुआ करते थे। तो अभी देख रहे हैं ना, ये कंबशन हमारा यहाँ पे होता है, ये अभी इंजन है, इसको अभी आगे पढ़ेंगे किसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? इंटरनल कंबशन इंजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया कौन सा स्ट्रोक है फोर स्ट्रोक इंजन में जहां पे डाउनवर्ड मूवमेंट होता है पिस्टन का ड्यू टू द कंबशन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर। एयर फ्यूल मिक्सचर के बाद कंबशन होने के बाद एयर फ्यूल फ्यूल मिक्सचर, मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर है उसमें कंबशन हुआ, उसकी वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ पिस्टन का, उसको हम कौन सा स्ट्रोक बोलते हैं? ऑप्शन दिए, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट या फिर इग्निशन स्ट्रोक। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये चार स्ट्रोक होते हैं बेसिकली। आप देखेंगे इनटेक है, उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, कंबशन को ही पावर स्ट्रोक बोला जाता है। इसमें होता क्या है, यहाँ पे तो देखिए इनलेट है, सबसे पहले तो यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्स होकर यहाँ पे आएगी, और ये क्या है? सिलेंडर। ओके, लास्ट ईयर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पूछा गया था कि इग्निशन कहाँ पे होता है, तो ये सिलेंडर में होता है जहाँ पे एयर फ्यूल मिक्स होती है। ये हमारा पिस्टन है, ये नीचे को मूव कर रहा है, और जैसे ये ऊपर आएगा मतलब यहाँ पे प्रेशर बनेगा, और ये जो हमारे वॉल्व है दोनों के दोनों क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, ये हमारा इसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन के लिए ये है। जैसे यहाँ पे इग्निशन होगा, यहाँ पे इग्निशन होगा तो यहाँ पे ब्लास्ट हम कह सकते हैं कि ब्लास्ट होगा या फिर एक इग्नाइट होगा बेसिकली। और ये इग्नाइट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एयर प्लस फ्यूल दोनों है, फ्यूल एयर होना जरूरी है फ्यूल के साथ, तभी बर्निंग हो सकती है। तो यहाँ पे कंबशन होगा, और इस कंबशन से ये नीचे को फिर प्रेशर जनरेट होगा, तो ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर स्ट्रोक। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर स्ट्रोक। और ये क्या है? एग्जॉस्ट। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है? एग्जॉस्ट। जब ये जैसे गैस बर्न होगी तो ये एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा और ये गैस बाहर। तो ये चार स्ट्रोक में कंप्लीट होता है, जबकि आप देखेंगे जो टू स्ट्रोक इंजन होता है उसमें ये दोनों एक ही स्टेप में हो जाते, एक ही स्ट्रोक में होते हैं, और ये दोनों पार्ट दूसरे स्ट्रोक में होते हैं। सो प्रोसेस दोनों में ही सेम होती है, बट नंबर ऑफ स्ट्रोक्स में डिफरेंस आता है। ओके, देन विच कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन इन टू द रोटरी मोशन। अल्टीमेटली आप देखेंगे इंजन का यही काम है, कि इंजन का काम क्या है, जो फ्यूल एनर्जी है, फ्यूल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है? रोटेशनल एनर्जी में। तो रोटेशन उसको क्रिएट करना, और रोटेशन, ये देखिए ये इंजन लगा हुआ है, अब ये जो पिस्टन है ये क्या कर रहा है, इसको नीचे मूव कर रहा है, और ये नीचे क्या चीज है, इससे कॉमन जो लिंक्ड है वो क्या है? क्रैंक शाफ्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रैंक शाफ्ट। ये क्रैंक शाफ्ट लगी है, आप देखेंगे इसी को बार बार मूव करा जा रहा है इंजन के थ्रू, इन पिस्टन्स के थ्रू, और यहाँ पे फिर क्या लगी है? पुली, और जिससे क्या हमारा मोशन जनरेट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रैंक शाफ्ट। ओके, क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं, कैम शाफ्ट नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कैम शाफ्ट ये है जो हमारे वॉल्व को, या फिर स्पेसिफिकली ये जो होता है ना, मैं इसका नेम भूल रहा हूँ, इसको मैनेज करता है यहाँ पे। ओके, सो ये तो आपको ध्यान रखना है, ये कैम शाफ्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट होता है, जिसको अल्टीमेटली वो रोटेट करते हैं, और वो रोटेशनल एनर्जी जनरेट होती है। यस, स्पार्क प्लग ना, ये स्पार्क प्लग है जिससे इग्निशन मिलता है, और उससे जुड़े होते हैं क्या? कैम शाफ्ट। ओके, तो इसको क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ द ट्रैक्टर स्टीयरिंग मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट मोशन फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील टू द फ्रंट व्हील। स्टीयरिंग व्हील से फ्रंट व्हील की तरफ को जो मैकेनिज्म है वो कौन ट्रांसफर करता है? ऑप्शन है ड्रैग लिंक, टाई रॉड, स्टीयरिंग गियर, किंग पिन या फिर एक्सल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ड्रैग लिंक है। तो ड्रैग लिंक है जो बेसिकली मोशन को स्टीयरिंग व्हील से फ्रंट व्हील तक ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर स्ट्रोक इंजन में व्हाट कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इनटेक एंड एग्जॉस्ट वॉल्व। तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैम शाफ्ट। ओके, क्रैंक शाफ्ट किसके लिए है? मोशन के लिए। ओके, देन
विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स द हायर पावर डेंसिटी ऑफन एसोसिएटेड विद द टू स्ट्रोक इंजन कंपेयर टू द फोर स्ट्रोक इंजन्स। अब यहाँ पे पूछा कि हाउ हायर पावर डेंसिटी ऑफन एसोसिएटेड विद द टू स्ट्रोक इंजन एज कम्पेयर टू द फोर स्ट्रोक इंजन। और हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिए, इनहांस फ्यूल इफिशियंसी, फास्टर कम्बशन प्रोसेस, लार्जर कम्बशन चैम्बर, और इसके साथ साथ इंक्रीज नंबर ऑफ सिलेंडर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली है क्या, ओवरऑल हम कहते हैं ना उसमें जल्दी एनर्जी होती है, क्योंकि देखो दो स्ट्रोक में ही वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो कम्बशन की प्रोसेस है वो कैसे हो रही है, फास्ट है। वहां पे थर्ड स्ट्रोक पे जाके कम्बशन हो रहा था, यहाँ पे वो सेकंड में ही हो जाता है। तो ये क्या है, फास्टर कम्बशन प्रोसेस है, जिसकी वजह से हाई पावर डेंसिटी ड्यू टू द पावर स्ट्रोक अकरिंग एवरी रेवोल्यूशन एज कम्पेयर टू द फोर स्ट्रोक इंजन, जिसमें वो लेटर स्टेजेस में हो रही है। सो दिस इज अबाउट द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। मेजरली हमने टेलर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए, और इंजन से रिलेटेड डिस्कस किए, और एक दो हमने ट्रैक्टर से रिलेटेड डिस्कस किए। बाकी आप लोग पढ़िएगा, हमने मॉक टेस्ट दिए हैं, मिनी मॉक टेस्ट दिया है, उसको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, है ना। अभी हमने पहले यहाँ पे कुछ गड़बड़ भी हो गई थी, हमने ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी और टिलेज के भी यहाँ पे आपके लिए मिनी मॉक टेस्ट दिए, आप इनको अटेम्प्ट जरूर कीजिए। ये देखिए हमने अभी तक टोटल 17 मॉक टेस्ट यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। आप देखेंगे अभी सेरिकल्चर, एपिकल्चर का, लैक कल्चर, बायो कंट्रोल का भी हमने यहाँ पे अपलोड किया है। डेफिनेटली इसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट है। मैं ये हो सकता है कि आपको ये देने के बाद लगे कि यार ये तो थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट हो गए, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप उसको सीधे सबमिट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप उनके आंसर एंड ऑप्शंस एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। किसी में डाउट लगे तो वहाँ पे इशू रिपोर्ट भी आप कर सकते हैं, किसी में आपको लगता है कि इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है वैसा है कुछ भी है तो वो आप हमें बता सकते हैं, वो हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, अगेन प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सकता है रिविजन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।